रहीम, बहुत साल पहले सोसाइटी ऑफ सर्जन की मीटिंग हो रही थी लाहौर में, तो उसमें दो बहुत सीनियर प्रोफेसर्स को फेयरवेल दी जा रही थी। तो उसमें उन्होंने पहले बुलाया, बहुत बड़ा नाम था उनके, तो उनके एक ट्रेनी थे जो कि उस वक्त प्रोफेसर थे, तो उनकी एज उस वक्त 59 ईयर्स एज थी जो उनके ट्रेनी थे। तो उन्होंने उनका वो पढ़ा सारा साइटेशन, उसके बाद उनको बुलाया गया, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। उसके बाद उन्हें कहा कि आइए अपने ख्याल का इजहार। उन्होंने जो तकरीर शुरू की अपने बचपन से लेकर और अपने प्रोफेशनल उसकी और जो माशरे में जो जो खराबियां हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो तकरीर इतनी लंबी हुई कि लोगों ने, वो पीसी में हो रहा था, लोगों ने कुर्सियाँ एक दूसरे की तरफ कर लीं और आपस में बातें करनी शुरू कर दी और उनकी तकरीर जारी रही। बहुत लंबी तकरीर करने के बाद आखिर उन्होंने वो ख़त्म की, तो मुरव्वत में कोई बोला ही नहीं क्योंकि उनके लिए फंक्शन हो रहा था। उसके बाद एक और दूसरे प्रोफेसर थे, मैं पहले प्रोफेसर का नाम नहीं बताता मगर दूसरे प्रोफेसर का नाम बताता, उनका नाम था फतेह अख्तर साहब। तो उनको बुलाया गया, तो अब सब लोग कहने लगे कि लो जी अब एक और तकरीर शुरू। वो बुजुर्ग से बेचारे ऐसे करके झुके हुए आए और आके खड़े हुए, तो उनकी साइटेशन पढ़ी गई। तो उन्होंने जो तकरीर की वो मेरे दिल पे नक्श हो गई। उनकी तकरीर ये थी, वट एवर I could do, you just heard. I wish I could do more. Thank you very much. जितनी देर तक वो पहले साहब तकरीर करते रहे, उतनी देर तक ये लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई इस एक फिक्रे के ऊपर। अच्छा, मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि सोचा था मैंने जिंदगी में, जब कभी अगर मैं इस तरीके से रिटायर हुआ तो मैं भी यही तकरीर करूँगा जो फतेह अख्तर साहब। लेकिन अब तक की 8-10 मीटिंग्स में हुए हैं, उससे पहले तमहीद इतनी बंद जाती है कि मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सक रहा। तो हो सकता है कभी मैं कर सकूं, क्योंकि वो इतनी बातें उन्होंने की हैं। दिल तो मेरा ये चाहता था कि मैं थैंक यू वेरी मच कह के आगे कुछ बात ना करूं, लेकिन अब वो इतनी बातें हैं कि उनको, उनका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो पहली बात की, वो जो अजवद ने अपनी वालदा के बारे में बात की, इनकी वालदा का मैं भी बहुत अकीदत से मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनकी वालदा से। और वो बस अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और अजवद खुशकिस्मत है, और मेरा जो थोड़ा सा उनसे ऐसे सरसरी सा ताल्लुक़ है, तो अजवद की मैं समझता हूँ कि तरबियत में इसके वालद वालदैन का बहुत अमल दखल है, कि वो कि कैसे उन्होंने एक माशाल्लाह एक शाहकार जो है, उनके सारे भाई लेकिन अजवद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ख़ास करम है। तो मैं भी उसी हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो कौसर ने बताया आपको कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरे वालदैन थे ना, जो भी आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग की टेक्निक्स आप पढ़ें, उन सब के हिसाब से देखें तो शायद वो उन टेक्निक से भी बढ़ के बेहतरीन वालदैन थे। मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कुरान पाक तर्जुमे से हमेशा पढ़ती थी और उनको सारा पता था। मेरे वालिद के साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं वो आप सबको पता ही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं कि वो क्लेम करते हैं कि वो मेरे वालिद साहब के शायद ज़्यादा दोस्त थे, बनस्बत के इतने दोस्त हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक मेंटोर मौजूद था, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बताई हैं जो हर वक्त मेरे लिए मशले राह होती हैं। और मैं अब मेरी ज़िंदगी का तो ये है मामला कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे ये याद होता है कि दरवाज़ा खोलते वक्त उन्होंने मुझे क्या बात की थी। मैं किसी लाहौर जाते हुए किसी खास मोड़ पर पढ़ता हूँ तो वो मोड़ मुझे याद, कॉन्टेक्चुअल याद करा देता है कि इस मौके पर उन्होंने ये बात की थी। तो वो बहुत सारी बातें हैं, वो सारी आप लोगों के साथ हो चुकी हैं। अलबत्ता मेरी वालदा के बारे में आप लोगों को कम पता है। मेरी वालदा को किसी खुदादाद तरीके से पेरेंटिंग की टेक्निक्स कुछ अल्लाह ताला ने उनको सिखाई हुई थी। जब मैं बहुत छोटा सा था, तो मेरी अम्मी सुबह सुबह कहती, चल पुत्र नमाज का टाइम हो गया, पानी में गर्म करता है तो चल नमाज पढ़। अच्छा, उस वक्त तहज्जुद से फारिग हो चुकी होती थी और फजर में। अच्छा, मैं बहुत छोटा होता था और कभी कभी ना शायद मेरे वालिद साहब को भी लगता होगा कि मतलब शी इज़ ओवर डूइंग इट, तो मैं जरा थोड़ा आगे से करता था, तो आगे से मेरी कहती, अच्छा तू एमए कर, मैं तू दो फर्ज पढ़ के सो जाए, चल सुन्नत ना पढ़ी बेशक, फर्ज पढ़ के जल्दी उठ के पढ़े। मतलब दिस इज हाउ, जिस वक्त मेरी उम्र 7 साल से भी कम थी तो वो मुझे उन्होंने इनकलकेट किया। मेरा बच्चा अहमद कहता है, उम्र कहता है कि अबू पता नहीं आप सोते नहीं हैं जब तक नमाज, अगर किसी वैसे हो तो आप बगैर नमाज के सो नहीं सकते। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है जो उन्होंने इन्फ्यूज किया मेरे अंदर। इसी तरह मैं अकेला माँ बाप का बेटा था, एक मेरी छोटी बहन थी। मेरी अम्मी अच्छी हेल्थ में होती थी और घर में, और कोई घर में कुछ वैसे बाहर का सौदा सल्फ लाने के मुलाजम तो होते थे, लेकिन वैसे कोई खान सामा या इस तरह के तो नहीं होते थे। अम्मी खुद ही खाना वाना पकाती थी, लेकिन जब खाने का टाइम आता मुझे कहती, अच्छा पुत्र शाबाश, तू इस तरह कर, तू जरा बर्तन साफ कर ले तो मैं फिर रोटी पकानी है।
तो मैं बर्तन साफ करता धोता था और वो करते, अच्छा ये नहीं कि वो धो नहीं सकती थी, लेकिन दिस पता नहीं उनको कैसे पता था कि पेरेंटिंग इस तरीके से करनी है। इसी तरीके से उन्होंने मुझे सालन पकाना, मुझे गोल रोटी नहीं पकानी सिखाई, वो मैं सीख नहीं सका, सालन पकाना, कपड़े हमेशा वो कहते अच्छा शाह तू कपड़े इस्त्री कर ले ते फिर मैं कर दें, हालांकि शी कुड डू इट। लेकिन अच्छा दूसरा उन्होंने कभी मेरे जूते को किसी और को, अब मैं कभी कभी ना उनकी हुक्मदूली करता हूँ, मेरा मुलाजम मेरे जूते साफ कर देता है, लेकिन मुझे पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं अगर मेरे जूते को कोई हाथ लगा दे, इसलिए वो कहती थी जूती अपनी जूती को किसी को हाथ नहीं, जूता अपना खुद साफ करना है। इसी तरीके से और बेशुमार बातें ऐसी थी, और जिस तरह इन्होंने बताया कि वो करते हैं तो मैं मुझे अपनी अम्मी के बारे में बहुत सी बातें याद आती हैं, मुझे ये आती है कि जब मैं घर आता था ना और अम्मी की तरफ बढ़ता था तो एकदम एक ड्रामा शुरू हो जाता था, क्योंकि मैंने हमेशा उनके पैरों को चूमना होता था, तो वो ये कहती थी नहीं 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 मेरे पैर गंदे हैं, तो कहते मैं पकड़ के जबरदस्ती मैं उनके साथ ना वो करता था सारा, आई हैड टू किस इट फिजिकली द फीट। तो बहरहाल ये सारी बातें मुझे अजबत की बातों से याद आई। मेरा ये ख्याल है कि जितना हम हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं करते जो हम उन्हें कहने को कहते हैं, और हम सबसे हमारे बच्चे अगर हमारे कहीं हुक्म अदूली करते हैं उसकी वजूहत यह है कि हमने उनको नेक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको नसीहतें की हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रोल मॉडलिंग है। हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम खुद करते हैं, और हमारे बच्चों के अंदर कहीं तरबियत में गलती हुई है वो उस तरह वो इसलिए हुई हो जाती है कि उस पीरियड के अंदर जब वो बच्चों की तरबियत का पीरियड था आप जो करते थे वो आपको नहीं करना चाहिए था। तो मैंने तो बहुत दफ़ा अपने बच्चों से सामने, दो तो यहाँ नहीं है इस वक्त, इनसे बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी है कि यार जिस वक्त तुम छोटे थे उस दौरान में जो मुझे करना चाहिए था अगर मैंने नहीं किया तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और तुम उसे मेरी अपनी तरबियत के उस सिलसिले में मेरे इस जुर्म को माफ़ करो, और तुम मेहरबानी करके उसको भूलने की कोशिश करो। और यही मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ हमें अपनी औलाद के लिए, बल्कि अगर अल्लाह ताला हमें इख्तियार दे एक डिपार्टमेंट के हेड के लिए तो उसके लिए भी यही पेरेंटिंग प्रिंसिपल है कि जितनी माफ़ करने की ताकत। यहाँ मुझे याद आ गया खालिद खान की वालदा भी मेरी माँ ही हैं, बस तो वो मैं बड़े दिनों से बल्कि उनके पैरों को हाथ नहीं लगा सका, मैं भी उनके भी पैरों को हाथ लगाता होता हूँ। खालिद खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, ये भी हमारा भाई, बड़ा भाई है हमसे, लेकिन जिस तरह वालदा की इन्होंने खिदमत की, वालद की खिदमत की, ये इन्होंने जन्नत कमाई हुई है, तो मुझे सामने देख के याद आया। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनकी अम्मी की दुआओं में मेरा भी हिस्सा है, मैं भी उन दुआओं का मैं हिस्सेदार हूँ। तो मैं बस ये अर्ज़ करना चाहता था, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैंने काजी साहब को और मुनीर साहब को भी नहीं बताई, हालांकि ये मेरे बिल्कुल साथ शायद बताई भी दी हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं नया प्रिंसिपल बना तो कोई 15 दिन के बाद, अच्छा शुरू में था जज्बाती बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कहा तो मैं लिन स्टोर चला जाता था, स्टोर में चला जाता था, वहाँ मुझे पता लगा कि कुछ ड्रिप्स जो हैं वो चोरी हो रही हैं और वो मुसलसल चोरी हो रही। तो अब वो बंदा भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि वो पुराना सा आदमी था तो वो चोरी करता था, और वो कन्फर्म बात थी कि वो चोरी, और एक किसी ने कहा भी कि उसको सजा देनी चाहिए। मैंने भी सोचा कि जिस तो चोरी करता है उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में ना एक बड़ा नॉवल आइडिया आया अचानक। मैंने एक दिन ना उसको मैसेज दे के बुलाया कि हाफिज साहब को पता है कि, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं हाफिज साहब के बारे में बता दूं, हाफिज साहब इज द एसेट ऑफ कायदे आजम मेडिकल कॉलेज। हाफिज साहब अगर ना होते उस कुर्सी के ऊपर मेरे लिए प्रिंसिपली करना नामुमकिन होता, वो और लोगों को भी बड़े एहसानात हैं हाफिज साहब, और इसलिए जब वो नए प्रिंसिपल आएंगे तो मैं उनको सबको भी मैंने कहा था और के डोंट लूज दिस जेंटलमैन, हाफिज साहब माशाल्लाह एक एसेट है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। एनीवेज मैं बात बीच में आ गई उनको देख के। अच्छा अब उनको बुलाया मैंने, अब वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग से आ गए, तो सर्दियाँ थी, सर्दियों में तो अंदर जब दाखिल हुई, वाकई प्लीज़ आप ज़रूर इसको गौर कीजिएगा, और मैंने एक किताब भी लिखनी शुरू की है उसका नाम है व्हेन आई वाज प्रिंसिपल, तो वो इस वाक्य से वो किताब शुरू होती है। तो उसके अंदर वो जब आया मेरे सामने तो उसको घबराया था कि ये मुझे क्यों बुलाया, ही वाज काइंड ऑफ अ स्टोर कीपर, जूनियर स्टोर कीपर, तो वो बहुत घबराया। तो मैंने सबको कहा हाफ साहब का मैंने किसी को अंदर ना भेजिएगा, सबको कहा, वो बैठ गए। अब वो बिल्कुल ऐसे थोड़े होके कि प्रिंसिपल ने बुलाया, मैं कहा यार मैं एक ना बड़ी ज़रूरी बात करनी है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं किससे मशवरा करूँ, मगर आपसे ज़्यादा मुझे कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं मिला जिससे मैं मशवरा करूँ, क्योंकि आप और मैं जब मेडिकल कॉलोनी में थे तो इकट्ठे मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यार मुझे किसी ने बताया है कि स्टोर में से ड्रिपें चोरी हो रही हैं, एंड आई कुड थोड़ा सा नियाज मकसूद साहब के साथ रह के मुझे भी ये मैंने सीख लिया कि उसकी आंखों में चेंजेस आनी शुरू हुई। तो मैंने कहा यार ड्रिपें चोरी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, मुझे किसी ने बताया है, अब ये पता नहीं है चोरी हो भी रही है कि नहीं हो रही,
और ये भी नहीं पता कि कोई और कहानी ना हो, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपसे मशवरा करूं, क्योंकि आप मेरे पुराने दोस्त और साथी हैं, कि पता तो करो यार, तुम वही काम करते हो कि चोरी हो भी रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही हुई तो हम वही ठप करने के मामले को, और अगर चोरी हो रही हुई तो हमने कौन सा उस बंदे को खा जाना है। हम उस बंदे को, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, हम जाके उसकी मिन्नत करेंगे कि यार क्यों अपने रोजगार के अंदर हराम शामिल कर रहे हैं, तो हम उसकी मिन्नत करेंगे, हमने कौन सा कुछ सजा दे देनी है उसको। तो एकदम ना मैंने देखा कि उसके माथे पे ना बीड्स ऑफ स्वेट्स या पसीने की आई, सर्दियां थी। तो कि जी जी सर, जी सर, जी सर। मैं कहा बस यार ऐसे वास्ते बुलाया सी कि तुसी ना को मेरी मदद करो कि आप, अल्लाह अल्लाह ने हमें रोजगार यहां से मिलता है, हलाल से हम रोजगार कमाते हैं, तो हम इसमें हराम ना शामिल करें, तो हम इसको, उसको बंदे को जाके मिन्नत करेंगे कि यार हमारा भाई है। उसके बाद अगले दिन मैं फजर की नमाज को सुबह वॉक करता था, फजर की नमाज के मुस्लिम साहब भी होते थे, मैं फजर के बाद ऐसे निकला घर के बाहर, तो मैंने अचानक देखा कि वो बंदा आ रहा है और वो मेरे करीब आया, और करीब आके मेरा पहला नोशन ये था कि ही इज गोइंग टू अटैक मी, कि मेरे ऊपर लपक के आया। लेकिन उसने अटैक क्या करना था, वो आते ही उसने मेरे पैर पकड़े और पैर पकड़े कहने लगा, सर वो इस चोर को आप कह रहे थे ना, वो मैं चोर, सर वो मैं चोरी करता, सर मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। आप यकीन करें, आई हैड टीयर्स इन माई आईज, मैं कहा इतना तो मैंने कभी गिड़गिड़ा के खुदा से माफी नहीं मांगी जितना वो एक इंसान से माफी मांग रहा है। तो एक मैं उस जिवे से रुका निकाला, उसने कहा सर 42,000 की रुपये मैंने अब तक चोरी की हैं, ये 22,000 आप ले लें मुझसे सर, 20,000 में 1,000 रुपये करके दे दूंगा सर, मुझे आप माफ कर, मुझे माफ। मैंने ये वाक्य सिर्फ खालिद फहीम साहब से जिक्र किया, उसी दिन जब मैं आया तो वो आए थे, खालिद फहीम साहब ने उसी वक्त जेब से मुझे 20,000 रुपये निकाल के दिए, कह लगे उन को पैसे ना लें, ए बाई ओ ते बी ए। वो हम ज़ाहिर है कुछ सिस्टम तो नहीं था जिसमें हम गवर्नमेंट टैक्स चेकर में डाल दें, हमने वो डोनेशन वाले में डाल के जो हम जो काम कराते थे सारे वो उसमें डाल के कर लिए। मैं इस वाक्य से सिर्फ इससे मैं उस किताब को आगाज करूंगा, और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो अजबत ने कहा था ना शेर की आंख, आई हैव डिस्कवर्ड देयर इज ड्यूरिंग दीज 2.5 ईयर्स कोई दुनिया का शख्स इस काबिल हो नहीं सकता जिसका मर्जी जोर लगा ले कि आपके लिए काबिल नफरत हो। कोई इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले कभी उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता जिसमें वो काबिल नफरत हो, इसलिए कि वो अल्लाह का बंदा है, वो नबी का उम्मती है, अल्लाह का हुक्म उसके लिए है, अल्लाह का नबी जो है अल्लाह 70 माओं से ज्यादा उससे प्यार करता है, और अल्लाह के नबी ने अपने पैरों को अडीमा करा लिया, सोजवा लिया उस शख्स की दुआ करने के लिए जो उसका उम्मती था। तो मैंने ये 2.5 साल के अंदर सीखा है कि कोई शख्स इस काबिल हो ही नहीं सकता कि आप उसे नफरत करें। हाँ, नफरत इसलिए पैदा होती है कि हमारे अपने अंदर ज़र्फ नहीं पैदा हुआ होता, हमारे अंदर अपने तौर पर ज़र्फ नहीं पैदा हुआ होता सब्र से उसको माफ करने का, सब्र से उसके साथ हमदर्दी का, सब्र के साथ उसको बदलने की नीयत, अपने दिल में उसको बदलने की नीयत का। मेरा ये ख्याल है कि हम सब जो हैं, ये मेरा एक सबक है जो मैंने इस दौरान में सीखा है। जैसे आपने सही कहा था कि मुझे इस बात का नहीं पता था, द एक्सट्रीम पावर ऑफ लव, द एक्सट्रीम पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड एक्सट्रीम पावर ऑफ रिलेशनशिप, ये मैंने इसने 2.5 सालों में सीखा है। दूसरी बात जो है, अब सबका इतना जिक्र हुआ हुआ है, मैं आई एम श्योर मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर दूंगा। दूसरी बात जो मैं ज़रूर अपने तजर्बे को शेयर करना चाहता हूँ, इनमें से यहाँ से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रिंसिपल बनेंगे या MS बनेंगे, पहली बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल बनना कोई ख़ास कमाल की बात नहीं है, ये कोई को बहुत बड़ा फीट नहीं है किसी किस्म की को, बस आप प्रिंसिपल कभी बनते ही नहीं हैं, बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है जब भी आप में से कोई इख्तियार की पोस्ट पर आए कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू यू, इट हैज नॉट चेंज्ड यू, यू आर नॉट प्रिंसिपल, रादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल हैज बीन गिवन टू यू। तो जब आप एक दिन के लिए भी अपने आप को इख्तियार की समझेंगे नहीं, तो ना आप उसको मिस करेंगे, ना आप उसका कोई होगा, बल्कि जब आप जाएंगे तो हंसते हंसते खुशी खुशी से जाएंगे। एक दिन के लिए भी अपने आप को साहिब इख्तियार नहीं समझना चाहिए, साहिब इख्तियार अल्लाह की जात है और अल्लाह का नबी है। और नंबर दो, जो आपने बेइज्जती वाली बात की, जब आप इस जगह पर बैठे होते हैं ना, तो लोग आके आपको हर वल्नरेबल होते हैं, आप कांच के ग्लास में बैठे होते हैं, उसमें वो एक वाकया हमेशा मैं अपने आप को सुनाता था कि जब किसी साहबी ने, जब बहुत ही पैसों की कसरत हो गई, तो किसी ने को बात करके एक साहबी ने एक फिक्रा कहा जिसका मफहूम ये था कि साड़ी भी कोई इज्जत होती है। तो एक और साहबी जो बड़े थे, उन्होंने अब्दुलरहमान बिन औफ थे या उमर थे पता नहीं, तो उन्होंने उसको एकदम पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ा, पढ़ा तुमने वो सुना नहीं है कि इज्जत तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की है।
एकदम उनके पैर कांपने लगे। उसने कहा हाँ मुझसे बहुत गलती होगी, मुझे क्यों ख्याल आया कि भाई ये मेरी। और इज्जत यकीन करें कोई आपकी बेइज्जती करता ही नहीं, हम खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं। मैंने अपने कई दफा अपने पीरियड के दौरान देखा कि एक बंदा कहता है जी मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, तो जिस बंदे की वो शिकायत लगा रहा होता था मैं उसको बुला के कहता था उसने बेइज्जती की है, वो कहता नहीं अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं की। तो दूसरा कहता नहीं इसने की है, करने वाला कह रहा था मैंने नहीं की, और करवाने वाला कह रहा नहीं इसने की, इसने की है। तो बेसिकली हम वी परमिट समवन टू इंसल्ट अस, अदरवाइज नो वन कैन इंसल्ट अस, ऑनेस्टली नो वन कैन इंसल्ट अस। तो ये छोटी छोटी बिखरी सी बातें मेरे जहन में आई हैं। मेरी जिंदगी का ये जबरदस्त पीरियड था 2.5 साल, इसमें मैंने बहुत कमाल मजेदार जिंदगी गुजारी। और अब शायद ख्वाजा साहब नए प्रिंसिपल बने, या नियाज मकसूद साहब बने, या मैडम असमा बने, और दो तीन और भी मेरा ख्याल है कुछ एस्पिरेंट्स होंगे शायद, तो जो भी बनेंगे जाहिर है। एक चीज मैं अलबत्ता अल्लाह का शुक्र अदा करके जा रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रांसफर जो है ना, एक मिथ थी जब मैं प्रिंसिपल बना तो जो मुझे पहला फोन आया था ना, पहला फोन आया था फयाज साहब का जो मेडिसिन के प्रोफेसर, दूसरा काजी साहब का, तीसरा फोन एक बुजुर्ग का आया था, उन्होंने कहा था बस ख्याल करना यहां प्रिंसिपल कोई इज्जत से नहीं रिटायर होता, यहां इज्जत से रिटायर नहीं होता कोई प्रिंसिपल, ये यहां का इस यहां के पानी में है। तो ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेरी सारी कोताहियों के बावजूद ये जो फेज ऑफ ट्रांसफर है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं अगर आपको एक छोटी सी मेरी कंट्रीब्यूशन हो, ये है कि ये मिथ कायदे आजम मेडिकल कॉलेज से इंशाल्लाह ब्रेक हो गई है। अब आप देखिएगा जब ख्वाजा साहब को एक एक चीज हमने हैंड ओवर की, एक एक चीज उन्होंने की, और इट वॉज जस्ट, और इसी तरह जलाल साहब ने मेरे साथ किया, एक एक चीज हैंड ओवर की और सारे, और दूसरी है कि उनके साथ मैं बिल्कुल वैसे खड़ा हुआ हूं। मेरे पास बाद लोग मजे लेने के आके तो फलान यूं ऑर्डर किया, मैं कहता हूं खबरदार अगर प्रिंसिपल आपका वीक हुआ ना तो आपका इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा। और जावेद इकबाल के लिए इससे शर्म की कोई बात नहीं होगी कोई ये कहे कि सर जब आपके जमाने में तो बड़ा अच्छा था, इस जमाने में तो ये हो गया, दिस इज, ये मेरी फेलियर है एंड दिस इज अ डिजास्टर, द इंस्टीट्यूशन मस्ट गो हायर देन व्हाट इट वाज इन माय टाइम। और इनके ख्वाजा साहब के टीपाइड पीरियड के बाद ख्वाजा साहब से आगे जाना चाहिए, उनके बाद आगे आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ एक कायद फैमिली के का एक कॉन्सेप्ट दिया है, मैं तो बिल्कुल भी, मैं मुनव्वर जमील साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने कहा जी आप वार्ड में आके पीजीआर की क्लासें पढ़ाया करें, पहली क्लास में एक दो पढ़ा चुका हूँ, हर जुमेरात को हमने सेशन रखा हुआ है। तो जब मैं प्रिंसिपल था तो मैं इतना रेगुलर नहीं आता था, तो अब तो मैं हर जुमेरात को आके, इन्होंने मुझे ये भी यानी हुक्म दिया कि भाई अगर कोई ऑपरेशन वगैरह भी लिवर सेक्शन या इस तरह से कुछ हो, तो वैसे तो ये सारे खुद को फील है, तो मैं बड़ी खुशी की बात है। काजी साहब ने मुझसे हुक्म दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हो, मैं कहा मैं उसी तरह ही हाजिर हूँ जिस तरीके से मैं हाजिर हूँ। तो सिर्फ ये मैंने किया है कि अपनी क्लैरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख्वाजा साहब के हवाले कर दी है, बाकी सारी की सारी मैं वही कर रहा हूँ जो कुछ पहले कर रहा था। बस पता नहीं सब, अजवत का शुक्रिया बहुत बहुत, अजवत के बारे में जो भी कहूँगा कम है, ये मुझे बहुत अजीज है, अपने बच्चों की तरह अजीज है, और ये बहुत ही कमाल का आदमी है और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आसन का जिक्र ज़रूर करूँगा, ये थोड़ा मेरे दो बेटे ना जैसे उमर और अहमद है, दोनों पर फ़ख्र है मुझे, एक छोटा भी है मोहम्मद वो यहाँ नहीं है, तो इसी तरह ये दोनों भी मेरे बच्चों की तरह है, इन पर फ़ख्र है। तो उनमें से भी एक ज़रा गुस्से वाला है एक नरम है, इनमें से भी एक गुस्से वाला एक नरम है, तो वो जोड़ा जैसे है ना, तो ये थोड़ा, लेकिन ये कि आसन इज अ वेरी 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 मेथोडिकल पर्सन, आसन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ लोग होते हैं ना दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट ऑन हिम एज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और बाकी सर का मैंने जिक्र कर दिया, इम्तियाज शाह साहब का, बाकी डीएफ साहब हमारे बैठे हुए हैं, और बाकी जितने भी क्लरिकल स्टाफ, ये शोएब खड़ा होना, ये शोएब फरीद साहब का बेटा है, फरीद साहब 30 साल मेरे और नईम के साथ थिएटर में हमारे साथ होते थे, तो ये इनका बेटा है, ये अकाउंट्स में साथ होता था, सर चेक शेक ये साइन कराता था, तो बहुत ही प्यारा बच्चा। और बाकी जिनका राशिद है, और अपना निसार साहब आएंगे, जितने यहाँ आपको बड़ी डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये सारा इनकी वजह से था, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारों ने बहुत मोहब्बत के साथ गुजारा किया। बाकी तलहा कमाल का आदमी है, जिस दिन इसने अपना वेट रिड्यूस किया है मेरे दिल में इसकी और भी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो शख्स खाने के सिलसिले में अपनी तमा पे कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब है अपनी बाकी ख्वाहिशात के सिलसिले में भी अपने ऊपर कर सकता है। वेट रिडक्शन एक इंडिकेटर है कि आदमी काबिल इस्लाह है, तो तलहा है, और तलहा बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। इरफान साहब ने सारा कंट्रीब्यूशन किया, शहादत हमारा जिगर भाई है माशाल्लाह, और इसके अलावा मेरी जो टीम बैठी हुई है
ये तो खैर के बारे में क्या बात करूँ, रमदान और सिदरा और सारे के सारे बहुत ही कमाल के लोग हैं, और अपनी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।